हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी टीचर का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है अब बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि अब जो है जिलों का आवंटन किया जा रहा है। यानी कि जो टीचर सिलेक्ट हुए इस बार, यानी कि इस बार जो बीपीएससी फेज वन में जो सिलेक्ट हुए हैं उनको अपना स्कूल दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि अब कितना हजार पे, यानी कितना जो सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट जो आने वाला है वो कितने हजार की संख्या में आएंगे, तो इस बात पर हम लोग गौर करते हैं। अभी जो है जैसे कि चार जिलों का अनुमान लगाया गया है, जैसे कि किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, आपका वैशाली ले लिया जाए, कैमूर ले लिया जाए, इन चार जिलों को अगर देखा गया है तो लमसम 4000 से ऊपर सीट खाली रह चुका है। यानी कि मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ, जिसमें 4000 टीचर का यानी 4000 सीट जो है वैकेंट चला गया है। सोचिए इस बात से कि पूरे बिहार में 38 जिला है, इन चार जिलों में 4000 सीट खाली अगर रह गया है तो चीज 34 जिला में कितना सीट खाली हो जाएगा। अगर देखा जाए, अगर सभी जिला में अगर सीट अगर मान लीजिए 500-500 ही अगर खाली होता है, यानी कि कहीं 1000 कभी कहीं 500 खाली हो जाए, कहीं 200, यानी एक एवरेज मिलाया जाए, अगर 500 ही खाली हो जाता है तो लमसम आपको देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार का जो है टोटल ओवरऑल जो 4000 तो छाट दिया जाए, 34 जो जिला अगर 34 जिला जो है उसको लेकर 15-20 हज़ार का लमसम में आपका सीट खाली देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि वो लोग कितने सीट पर अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित करेंगे, अब उसको देखना बाकी है। क्योंकि तो पहले ही उन्होंने 9000 सीट को अपना जो है एक तरह से समझिए कि रिजर्व कोटा में रख लिए है, जो 9000 सीट जो है 9000 पर रिजल्ट जो है देवे नहीं किए है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। जितना रिजल्ट उन्होंने दिया है उस पर बात करेंगे। जैसा कि अभी जो है 4000 सीट चार जिलों से पता चला कि चार जो है कैमूर हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब जो जिला है चार जिला उससे जो है 4000 से लमसम लगभग 4000 का सीट जो है खाली हो गया है। और 34 जिला में अगर लमसम एवरेज 500 का ही देख लिया जाए, अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो लमसम 15 से 20 हज़ार का जो सीट खाली हो जाने का पूरा उम्मीद है। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो कितने सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। अगर 15 से 20 हज़ार यानी 20 हज़ार के करीब सीट पर दिया जाएगा तो अच्छा, उसका जो कटअप का जो बात करूंगा ये कटअप जो है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी कि जहां एक दो मैं बता रहा था, आप समझिए कि एक नंबर और पीछे चला आएगा, क्योंकि 3 नंबर तक जो है उसका कटअप जाने का अब उम्मीद लगता है, क्योंकि अभी का जो डाटा जो आया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन तब होगा जब वो पूरा एकदम ऑनेस्टी से जितना सीट खाली हुआ है, अगर ऑनेस्टी से अगर वो अगर पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे यानी पूरा सीट पे, तब आ सकता है 3 नंबर तक कम हो सकता है। बाकी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं अगर आया 10000 का सीट अगर होगा, अगर 10000-9000 का सीट पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर देंगे तो समझिए कि 1 या 2 नंबर भी बहुत है, ठीक है उसके लिए। क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का जो सीट का जो मतलब जो कैंडिडेट है, बहुत लोग हैं जो 1 नंबर से छूटा है, किसी का 2 नंबर से छूटा है ना, कोई तो डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट गया तो बात की बात है, उनका भी होगा, डेट ऑफ बर्थ के कारण भी होगा तो उनका भी होगा, क्योंकि जब सीट खाली होगा ऐसा नहीं कि उनको पहले छोड़ दिया जाएगा, उनको भी लिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब बात है आपका जो है, अब जिलों का आवंटन हो रहा है और बहुत जल्द जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। और आज दिवाली का दिन है, हम सोचे कि आज जो है बढ़िया सा न्यूज है तो आप लोग को दिवाली के तोहफा में आप लोगों को दे दें, क्योंकि आप लोग को हमको लगता है कि आप लोग भी कुछ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आज उनका दिवाली नहीं मन रहा होगा, यानी सैड बैठे होंगे। तो चलिए आप लोग यानी 1-2 नंबर वाले जो होंगे वो उनके लिए खुशहाली वाली बात है। 3 नंबर तक समझ जाइए कि 3 नंबर तक जो होगा उनको सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम चांस है, पूरा चांस है, ठीक है। तो आप लोग पूरा धैर्य बना के रखिए, जरूर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और रिजल्ट की बात करेंगे तो छठ पूजा के करीब में, या फिर हो सकता है ये जो सब जो आवंटन जिलों का आवंटन जैसे ही पूरा होगा वैसे आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि पता है जब तक जिलों का आवंटन नहीं होगा तब तक सीट पूरा पता नहीं चलेगा कि पूरा जिलों में कितना खाली हुआ है, तो पहले ये प्रक्रिया हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रक्रिया होगी। तो लमसम आपको देखा जाए तो छठ बाद की बात करेंगे, छठ बाद यानी कि 21-22 तारीख को आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की जो होगा, और रिजल्ट भी आएगा तो सोच लीजिएगा दोस्तों रात को ही आएगा, दिन में नहीं आने वाला है, रात को 12 बजे आए 1 बजे आए, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा रात को ही कोई भी नोटिफिकेशन दिया जाता है, इसीलिए रात को ही आएगा, दिन का कोई उम्मीद नहीं रखिएगा, ठीक है। अब सीटेट अपेयरिंग वाले के लिए अभी थोड़ा बात कर ले, सीटेट अपेयरिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीटेट अपेयरिंग वाले को उम्मीद अभी हारना नहीं है, आपका उम्मीद अभी बाकी है, अभी लास्ट तक जब डेट फॉर्म का बढ़ेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अभी 1-5 के लिए जो अभी सम्मिलित किए हैं 1-5 को, तो उनके लिए तो डेट वो बढ़ाएंगे ही, तो
आप इसे दे सकते हैं कि उनको जो फॉर्म प्रक्रिया का जो डेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 5 को मिला दिया है, जैसे 9,9400 सीट जो है लमसम में 9,400 सीट को जो डाला गया है, तो उसके हिसाब से क्या देखा जाए तो इसका जो डेट जो है फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ेगा। इसके लिए आप भी निश्चिंत रहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि अगर आपके पास सारा चीज़ है तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि डेट बढ़ने का इंतजार ही करना है। ठीक है, आप लोग फॉर्म भर के रेडी हो जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग आवेदन करना शुरू करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे अगर आपको, अगर बीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर नोट्स की ज़रूरत होगा, ठीक है, कोई अगर बिहार बोर्ड का SCERT का बुक हो, जैसे 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 तक, ठीक है ना, यानी 6 से लेकर 12 तक, और NCERT या प्लस SCERT का जो बिहार बोर्ड का अगर आपको नोट्स चाहिए PDF, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और हमारा चाहे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मैं स्क्रीन पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप हमको व्हाट्सअप करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।